अब तक हमने पैरेललोग्राम को पढ़ा था और पैरेललोग्राम में रोम्बस भी आ गया था, स्क्वायर, रेक्टेंगल। अब नेक्स्ट पार्ट आता है अपने पास ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है, देखो अब तक जो हमने पैरेललोग्राम पढ़े थे उस पैरेललोग्राम में क्या हुआ था, अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स आपस में पैरेलल हुआ करते थे, यानी ये इसके पैरेलल था तो ये साइड इसके पैरेलल हुआ करती थी, है ना। लेकिन इस कंडीशन में यानी ट्रेपेजियम वाले पार्ट में वन पेयर पैरेलल होता है और अनदर टू साइड्स जो होती है वो नॉन पैरेलल साइड्स होती है। यानी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए बी इज पैरेलल टू सी डी बट ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, इसके पैरेलल नहीं होती। जब पैरेलल नहीं है इट मीन्स इक्वल भी नहीं है। लेकिन हमारे पास ट्रेपेजियम्स जो होते हैं वो रियलिटी में टू टाइप्स के होते हैं, एक आइसोसेलस होता है और एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल में तो क्या हुआ, जैसे मान लिया ये और ये साइड्स दोनों नॉन पैरेलल साइड्स है, मान ली इसको मैंने दे दिया 13 सेंटीमीटर का, इसको दे दिया मैंने 14 सेंटीमीटर का, यानी दोनों ही साइड्स मेरी क्या है, अनइक्वल है, दोनों की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट दे रखी है। लेकिन इसी चीज को अगर मैं यूं कर देता, इधर 13 दिया है और इस साइड में भी अगर मैं 13 ही बना देता, इट मींस मेरी नॉन पैरेलल साइड जो है वो आपस में क्या बन गई थी, इक्वल बन जाती है। नॉन पैरेलल साइड आपस में क्या बनती है, इक्वल बनती है जब नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, देन ट्रेपेजियम जो बनता है आइसोसेलस ट्रेपेजियम बन जाता है। ठीक है, रियलिटी में तो क्या आता है, नॉर्मल टेम्परेचर में ये नॉन पैरेलल साइड्स होती है उस लेंथ में भी इक्वल नहीं होती। अगर ये लेंथ में इक्वल बन जाती है इट मीन्स ये आइसोसेलस बन जाता है। ठीक है, ये था एक टाइप। उसके बाद एक नेक्स्ट टाइप और आता है जो अपने क्वाड्रिलेटरल का एक लास्ट पार्ट है और वो पार्ट है अपना काइट। काइट में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स का वन पेयर इक्वल अनदर पेयर इक्वल, इट मींस ए बी सी डी अपनी अगर ये काइट दे रखी है हमने तो उसमें ए बी ए सी के इक्वल होगा। काइट में क्या होगा कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड बी डी इज इक्वल्स टू बी डी, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी कह दो या सी डी कह दो, बट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी डी एंड ए सी इज नॉट बी डी टू सी डी। काइट में क्या होता है, वन अपोजिट साइड का पेयर किसका, एडजेसेंट साइड्स का। ये एडजेसेंट साइड्स ही थी, एडजेसेंट में क्या बताया था, अगर मैं वन पेयर की बात करूं तो एक पेयर का एक एंड पॉइंट आपस में क्या होता है, सेम होता है, एक एंड पॉइंट से दो आपस में आर्म्स जुड़ के निकलती है। ठीक है, यानी ये यहां तक काइट का पार्ट था, इसके रिटर्न नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर एज 2:3, यानी एंगल्स का रेशियो कितना मिला हमें, 2:3 मिला। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच इट्स एंगल। इस पैरेललोग्राम तो देखो बात करते हैं पैरेललोग्राम की, तो देखो आई थिंक पैरेललोग्राम ऐसा बनता है आपको सबको पता है जो हम लोग पहले बना चुके हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ही बनता है, मान लिया ए बी सी डी ये बना था, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये कह रहा है इसके एडजेसेंट एंगल्स।
तो हमने कल जब बात की थी तो ये देखा था हमने कि हमारे एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, कि एक ही लाइन यानी एक साइड के दोनों बनने वाले एंगल्स, यानी एंगल ए और एंगल बी की बात करूं मैं, अगर मैं एंगल ए और एंगल बी की क्या करूं बात करूं, तो एंगल ए एंगल बी के क्या है एडजेसेंट एंगल्स होता है, ठीक है, एंगल ए एंगल बी के क्या है एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो ये कह रहा है इसके बाकी के एंगल ए बी सी डी ऑल एंगल्स इसके फाइंड करने, हमें क्या फाइंड करना है ऑल एंगल्स। तो लिखा लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू 2x डिग्री और एंगल बी इज इक्वल्स टू 3x डिग्री, क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू तो दे नहीं रखी है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये देखो अगर मैं इसको यूं डॉटेड करके आगे बढ़ाता हूं, तो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ नॉलेज ही काम आएगा आपको, मैंने बता रखा है पहले भी। तो ये एक पैरेललोग्राम बना, पैरेललोग्राम का मतलब क्या हुआ, ये लाइंस दोनों क्या थी पैरेलल थी, पैरेलल लाइंस बनी, यानी ये लाइन इसके पैरेलल थी, ये एंगल क्या बने को इंटीरियर एंगल्स आए थे, कौन से एंगल्स बने थे ये लोग को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल क्या होता है, ऐसे एंगल्स जो किसी भी दो पैरेलल लाइन को काटने वाली एक जो लाइन बनती है, ऐसी लाइन देखो मान ली ये लाइन इस लाइन के पैरेलल थी, ये मेरी एक ट्रांसवर्सल बनी, तो यहां और यहां पर बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा को इंटीरियर एंगल, या फिर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके कितने के बनेंगे अपने पास में 180 डिग्री के। तो लिखा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों बने, क्योंकि तो इसका एंगल का सम क्या था 180, क्यों बना है, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग एंगल्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल का सम भी बता सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर एंगल ए किसके इक्वल था के 2x डिग्री के, बी किसके इक्वल था के 3x डिग्री के, दोनों मिलके किसके इक्वल आया 180 के। देयरफॉर 5x इक्वल्स टू 180, देयरफॉर x इक्वल्स टू 180 अपॉन 5 36 डिग्री, हमें किसकी वैल्यू मिल गई x की वैल्यू मिली, x मिला हमें 36 डिग्री के इक्वल। ये कह रहे हैं हमें सारे के सारे एंगल्स फाइंड करने हैं, तो मैंने क्वेश्चन को रब कर दिया यहां से, मेन क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करो। ये कह रहा है एंगल ए, तो एंगल ए किसके इक्वल था 2x के इक्वल था, और x किसके इक्वल आया अपना 36 डिग्री के, तो 36 को 2 से किया 72 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी बना अपना 3x डिग्री, इट मींस 3 इंटू 36 डिग्री 108 डिग्री, क्लियर है, यानी ए मिला हमें 72 डिग्री और बी मिला हमें 108 डिग्री। यहां तक की बात उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, है ना। अब हमें रियलिटी में इसने क्या कहा था, किसके सारे एंगल्स का सम फाइंड करो, इनके सब एंगल्स का सम क्या करना था हमें फाइंड करना था। ये x 36 डिग्री यहां मिल गया मेरे को, क्लियर है, चलो। अब देखो ए और बी तो मिल गया, हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हुआ करता था कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा एंगल डी के। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल सी कितना मिल गया फिर हमें 72 डिग्री का, क्यों मिला, तो इसकी प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे, अपोजिट
एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए बी 72 आया, सी बी 72। सिमिलरली बी इज इक्वल टू एंगल डी, वो मिल गया हमें 108 डिग्री का सिमिलर प्रॉपर्टी। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ओके, फटाफट नोट करो। कुणाल सिंह ने आंसर लिख दिया था 75 105 105। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ बोलो रौनक, अब क्या हुआ? रौनक गुड मॉर्निंग सर। बोलिए बेटा। सर इस बार आपकी सर वॉइस क्लियर आ रही है सर, ब्लैक बोर्ड फिर से वही आ रहा है ब्लैक सर। बेटा यहाँ सब कुछ ओके है, अब यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा कोई। भूमि लखानी, भूमि लखानी अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। हर्षवर्धन सिंह राठौड़, यस सर। बेटा सब कुछ क्लियर है ना बोर्ड? सर एकदम क्लियर है और वॉइस भी एकदम क्लियर आ रही है। ओके बेटा थैंक यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन आज का। इन गिवन फिगर, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल ए इक्वल्स टू 75 डिग्री एंड एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल सी डी बी एंड एंगल ए डी बी। फिगर कुछ इस टाइप का बना हुआ है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, बी को डी से ज्वाइन किया हुआ है, इट मीन्स बी डी इज अ डायगोनल। एंगल ए यहाँ पे बना हुआ है, वो मिला मुझे 75 डिग्री का, और उसके बाद यहाँ एंगल बना डी बी सी, वो मिला 60 डिग्री का। ठीक है, पूछा क्या है देखते हैं। देखो आप एंगल सी डी बी, अब सी डी बी कहाँ है देखते हैं। देखो ये सी डी बी यानी ये एंगल पूछा है कि ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा। क्लियर है? यानी जहां मैंने क्वेश्चन भाग बनाया है वो एंगल हमें पूछा गया है। तो सिंपली देखो, अगर मैं एबीसीडी की बात करूं तो एबीसीडी क्या था मेरा, एक पैरेललोग्राम था।
तो एंगल ए जो था एंगल सी के इक्वल बनेगा 75 डिग्री। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्यों किया था कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, आई बात समझ ले, ये किया था हमने, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। इट मींस आपको जब तक प्रॉपर्टी लर्न नहीं होगी क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। यानी मैंने इस सी एंगल को कितने का बना दिया कि 75 डिग्री का, क्लियर है बात। चलो अब देखो, मैं अगर बात करूं इस पार्ट को रब कर दूं यानी ढक दूं एक बार के लिए, इस पार्ट को मैंने ऐसे कवर कर दिया कपड़े से, तो आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है ना। और ट्राइंगल में लगती है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो लिखा इन ट्राइंगल डीबीसी, डीबीसी बना, डीबीसी ट्राइंगल में कौन होगा, एक तो एंगल सी मिलेगा, एक यहाँ पॉइंट बी पर बना हुआ एंगल, यानी एंगल डी बी सी मिला हमें, एक एंगल ये जो क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन था कौन था अपना सी डी बी, एंगल सी डी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों बने, एंगल सम प्रॉपर्टी ए एस पी ऑफ ट्राइंगल, ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सी गिवन था 75 डिग्री, पॉइंट बी पर कितने का था 60 डिग्री का, प्लस एंगल सी डी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दोनों को ऐड किया 135 डिग्री बना, प्लस में आ गया सी डी बी इज इक्वल्स टू 180, देयर फॉर एंगल सी डी बी इक्वल्स टू 180 माइनस 135, इट गिव्स 45 डिग्री, ठीक है, इट गिव्स 45 डिग्री। यानी हमें यहां का एंगल जो था ये वाला, ये एंगल मिल चुका है 45 डिग्री का, ठीक है। अब एक चीज और पूछी इसने, मैं देखो एंगल ए डी बी पूछा, ए डी बी यानी यहां वाला पार्ट पूछ रहा है अब, ठीक है ना, जो मैंने स्टार का साइन बनाया है, ये पूछ रहा है ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो मैं इस एंगल की बात करूं तो हमें ये पता है, देखो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, और सेवंथ क्लास तक हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल काटे तो बनता है यहाँ पर जेड, और आपको क्लास में शायद सिखाया गया होगा जेड एंगल, है ना, याद आया कुछ, जेड एंगल, कौन से एंगल की बात करते हैं हम लोग यहाँ, जेड एंगल, जबकि जेड एंगल कुछ नहीं होता, जेड एंगल को हम लोग क्या डिनोट करते हैं रियलिटी में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या रीड करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो स्टार पे जो बन रहा है वो बन रहा है अपना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आई बात समझ में। तो यहाँ से ऊपर क्वेश्चन वाला पार्ट रब कर रहा हूं मैं, और क्वेश्चन वाले पार्ट की जगह नोट करते हैं, फाइंड करना था एंगल ए डी बी, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया था अपना, यहां सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, ए डी बी देखो ये रहा ए डी बी, किसके इक्वल आएगा, डी बी सी के, सॉरी डी बी सी के, क्यों बनेंगे इक्वल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, देयरफॉर एंगल ए डी बी, ए डी बी डी सी किसके इक्वल था 60 डिग्री के, इट मीन्स ये किसके इक्वल आ जाएगा अपना 60 डिग्री के इक्वल आएगा, आ गया फाइनल आंसर। अननोन एंगल्स जो भी दो पूछे थे हमें दोनों फाइंड कर दिए गए, ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी।